Today we are going to start our new topic. New topic is inserting a picture. अभी तक हमने क्या किया था वर्ड के अंदर, हमने टेबल बनाना क्रिएट किया था और फीचर्स हमने इससे पहले वाले चैप्टर में किए थे, ठीक है। आज से हमारा इंसर्टिंग ए पिक्चर। अब हम वर्ड के अंदर एक पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने टेक्स्ट को टाइप किया था, अब पिक्चर्स को इंसर्ट करना हो तो पिक्चर्स कैन बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो आपकी पिक्चर्स हैं उसे कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन ही मिलती है देख के कि किससे रिलेटेड है, क्या है, बोलना चाहता है। तो वी कैन यूज पिक्चर्स रिलेटेड टू द टॉपिक। हम टॉपिक से रिलेटेड कोई पिक्चर्स हैं, जैसे कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं तो हम कंप्यूटर के इमेज लगा सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखेंगे तो इनपुट डिवाइसेस की जिसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी इमेज लगा सकते हैं साथ में, तो थोड़ा सा इफेक्टिव होता है। पिक्चर्स कैन बी ऑल्सो इम्प्रूव द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो लुक है वही डॉक्यूमेंट का चेंज हो जाता है। देयर आर डिफरेंट वेज टू इंसर्ट ए पिक्चर इन टू ए डॉक्यूमेंट। अब एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे आपके मेथड्स हैं जिससे आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक फॉलो द गिवन स्टेप्स टू इंसर्ट ए पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट। क्या करना है, सबसे पहले कर्सर छोड़ेंगे आप अपनी डॉक्यूमेंट में जहाँ पे आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, देन इंसर्ट टैब पे जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से अपीयर हो जाएगा जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन जो पिक्चर ब्राउज करके आपका कंप्यूटर के अंदर कहाँ पड़ी है पिक्चर्स, वहाँ से सेलेक्ट करके आप उसको ओके कर देंगे, ठीक है। ये था आपका पिक्चर इंसर्ट। फिर आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ आपने कर्सर छोड़ा था वहाँ पे आपकी पिक्चर्स इंसर्ट हो जाएगी। लाइक ये वर्ड है, ठीक है। अब इस वर्ड के अंदर क्या करना है आपको, इंसर्ट पे आप जाएंगे, पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपको मिलेगा पिक्चर कमांड, यहाँ पिक्चर कमांड पे गए तो पिक्चर्स यहाँ से आप उठाएंगे, ठीक है। कहाँ पे आपकी पिक्चर्स हैं वहाँ से आप इस तरह से ब्राउज करके देखेंगे, जैसे वॉलपेपर्स में से उठाना है मुझे, तो कोई भी पिक्चर आप जो इंसर्ट करना चाहते हैं उस मैंने डबल क्लिक किया तो आपकी पिक्चर इंसर्ट होगी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। ये बहुत बड़ी पिक्चर्स आपकी आ गई है। तो पिक्चर्स जब आती है तो सिलेक्टेड होती है, उसका साइज आप रिसाइजिंग हैंडल से इस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक है। साइज कम ज़्यादा हो रहा है, ये हैंडल्स हैं जिसे आप अपनी पिक्चर का साइज कम कर सकते हैं। देखो पिक्चर्स का साइज बहुत कम हो रहा है, देखो कितना भी आप कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में आपने जहाँ पे कर्सर छोड़ा था वहाँ आपकी पिक्चर इंसर्ट हो गई। बाकी हम इस पिक्चर को कहीं पे भी मूव भी करवा सकते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी पिक्चर्स को मूव करवा दिया, तो इस तरह से हम पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसर्टिंग ए क्लिप आर्ट। अब एक पिक्चर इंसर्ट किया था, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई पिक्चर पड़ी हो वो हम इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। क्लिप आर्ट क्या है आपका, क्लिप आर्ट में आपकी रेडीमेड पिक्चर्स होती हैं। क्लिप आर्ट आर रेडीमेड पिक्चर्स दैट कम विद वर्ड। जैसे वर्ड है आपका, वर्ड के अंदर जो क्लिप आर्ट यूज़ किया जाता है उसके अंदर कुछ पिक्चर्स अपने आप डाली हुई होती हैं वर्ड में, जब वर्ड को क्रिएट किया बनाया, ठीक है। हमने उन पिक्चर्स को कहीं से नहीं लेना, वो ऑटोमेटिक हमें वर्ड में मिलेंगी। देयर आर सेवरल कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज के आपको क्लिप आर्ट के अंदर पिक्चर्स मिल सकती हैं। आप जैसे कोई भी साउंड मूवी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो सीधा स्टेप्स क्या है आपके, सबसे पहले कर्सर आपको वहाँ छोड़ना है जहाँ पे आपको पिक्चर्स इंसर्ट करनी है। देन गो टू द इंसर्ट टैब, देन क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिप आर्ट पे हमने क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे ये राइट साइड में आप देख रहे हैं डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इस विंडो के ऊपर ही इस तरह से ओपन होने के बाद आप यहाँ पे कैटेगरी लिखेंगे, किस कैटेगरी का आपको चाहिए, जैसे एनिमल्स चाहिए, एनिमल्स में क्या चाहिए, कैट चाहिए, तो आप यहाँ कैट लिख देंगे, ठीक है। या फिर कोई आपको थिंग चाहिए जैसे कंप्यूटर की इमेज चाहिए, तो यहाँ कंप्यूटर लिखा, देन क्लिक ऑन ये क्लिप आर्ट पेन हम इसको बोलते हैं, इस एरिया को क्लिप आर्ट पेन हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। या फिर किसी पिक्चर के ऊपर हम डबल क्लिक कर देंगे तो हमारी जहाँ पे हमने कर्सर छोड़ा है डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ओके। प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम, जैसे मैंने कर्सर यहाँ पे छोड़ा है, मैं फिर से जाऊँगी इंसर्ट के ऊपर, यहाँ क्लिप आर्ट, देखो यहाँ पिक्चर था इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर। नाउ क्लिप आर्ट ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिप आर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद विंडो साइड में ओपन हो जाएगा। विंडो साइड में ओपन होने के बाद आप यहाँ से कैटेगरी लिख सकते हैं, आपको किस कैटेगरी का इमेज चाहिए, जैसे मुझे चाहिए कंप्यूटर की इमेज, यहाँ से मैं गो कर दिया, तो जिस तरह से भी आपको इमेज चाहिए कंप्यूटर के आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये चाहिए मुझे तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगी, ठीक है। ये देखो डबल क्लिक करने के बाद मेरे डॉक्यूमेंट में जहाँ मैंने कर्सर छोड़ा वहाँ मेरी इमेज क्रिएट हो गई है,
अभी मैं इसका जो जब भी हम पिक्चर को क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्टेड हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है। इसके हैंडल्स हैं जिससे हम साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस तरह से हम साइज को कम ज़्यादा कर रहे हैं। क्लिप आर्ट इंसर्ट करना आगे, क्लिप आर्ट से पिक्चर्स, पिक्चर्स वैसे डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यह है आपका इंसर्टिंग बेसिक शेप, शेप ठीक है। किस तरह से हम शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, अभी जैसे हमने पिक्चर इंसर्ट किया है, क्लिप आर्ट से पिक्चर इंसर्ट किया है, सेम ऐसे ही बहुत सारे आपकी शेप्स हैं, जैसे रेक्टेंगुलर बनाना है, सर्कल बनाना है, स्टार्स एरो लगाने हैं, तो ये इमेज या कोई भी इस तरह से इफेक्टिव आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले कर्सर छोड़ना है हमें वहाँ पे जहाँ पे शेप को इंसर्ट करना है, एक चीज़ की हमेशा ध्यान रखनी है। नाउ गो टू द इंसर्ट टैब, डन। शेप्स बटन के ऊपर हम जाएंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, सेम वहीं पे उनके साइड में ही जहाँ पे अभी हमने पिक्चर को इंसर्ट किया है। देन हम क्लिक करेंगे जो शेप आप चाहते हैं उसके ऊपर, क्लिक कर दिया लाइक इस तरह से आपका पेज दिखाई देगा आपको, जो इमेज यहाँ दिखा रखी है। देन Hold your mouse and drag the part of document where you want to create to appear the shape. जहाँ पे आप अपनी शेप दिखाना चाहते हैं वहाँ पे आप माउस को ट्रैक करते हुए उसको, यानी कि माउस को ट्रैक करना, खींचना, खींच कर इस तरह से आप शेप बनाएंगे। तो आपके सामने इस तरह से सारी शेप बनी हुई है। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम वर्ड में कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट टैब पे पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, शेप के ऊपर जाएंगे, ड्रॉप डाउन एरो बटन के ऊपर क्लिक किया, बहुत सारी शेप्स आपको यहाँ नजर आएंगी, कौन सी शेप आपको चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन इस तरह से प्लस का सिंबल आपको नजर आएगा, तो ड्रैग करेंगे माउस को खींच के इस तरह से शेप बनाएंगे, ठीक है। ये कोई भी जब शेप बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, तो उसके रिसाइजिंग हैंडल यानी कि साइज कम ज़्यादा करने के लिए आपको इस तरह से हैंडल्स मिलेंगे। इसका साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा करना है आपको, साइज बड़ा करना है तो बाहर की तरफ ट्रैक करेंगे, ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे, छोटा करना है तो ऐसे अंदर की तरफ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक शेप, हमने इंसर्ट कर लिया, पिक्चर कर लिया, क्लिप आर्ट से हमने पिक्चर को इंसर्ट कर लिया, चेंजिंग द साइज ऑफ पिक्चर और शेप। अब हमने पिक्चर को इंसर्ट कर लिया है, शेप को इंसर्ट कर लिया है, उनके साइज को कैसे रिसाइज करना है। ओके, पहले ये मैं आपको बता देती हूँ, व्हेन वी क्लिक ऑन ए पिक्चर, जब हम एक पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, अभी मैंने आपको जैसे बताया था, तो पिक्चर क्या होगी, गेट सेलेक्टेड, आपकी पिक्चर जो सेलेक्ट हो जाएगी, आपको हैंडल्स दिखाई देंगे, रिसाइजिंग हैंडल्स उसके चारों तरफ से, जो मैंने अभी दिखाया था। हैंडल्स लेट्स यू, हैंडल्स टेल्स यू द एजेस ऑफ ए पिक्चर, हैंडल्स आपको जो पिक्चर की सारी एजेस हैं, किनारे हैं उस पिक्चर के, जितने भी जहाँ पे एंड होते हैं वो सारे आपके हाईलाइट हो जाएंगे, तो वहाँ से आप रिसाइज कर सकते हैं उन हैंडल्स से। तो आपके टू टाइप्स के हैंडल्स हैं, कॉर्नर साइजिंग हैंडल्स एंड साइड साइजिंग हैंडल्स। कॉर्नर साइजिंग हैंडल्स क्या करेगा, आपका सेम प्रॉपर्टीज होती हैं बाकी दोनों की, साइज को कम ज़्यादा करने के लिए, हॉरिजेंटल और वर्टिकली, ठीक है, दोनों साइजेस के अंदर। नाउ ये आपको करके दिखा रखा है, इंक्रीजिंग साइज, साइज को बढ़ा करके दिखा रखा है, डिक्रीजिंग साइज, साइज को छोटा करके इस इमेज के अंदर दिखा रखा है, ठीक है। तो किस तरह से हम करते हैं, अभी हमने कर भी लिया था साथ में, जैसे कोई भी पिक्चर आपको जो जिसका रिसर्च करना है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, उसके चारों तरफ से आपको इस तरह से रिसर्चिंग हैंडल्स नजर आएंगे। तो आप क्या करेंगे, रिसर्चिंग हैंडल से अगर आपको कम करना है तो अंदर की तरफ ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है, अंदर की तरफ माउस को ड्रैग करते हुए, बाहर बड़ा करना है साइज तो हम इस तरह से बाहर बड़ा करते जाएंगे, ठीक है। ये था आपका रिसाइजिंग और पिक्चर एनी शेप, आप सेम ऐसे शेप को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिंग हेडर एंड फुटर। अब हेडर फुटर क्या है, जैसे आपने डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप करते हुए आपको देखा होगा आपने, जैसे आपकी बुक्स के अंदर पेजेस लिखे होते हैं, पेज 1, 2, 3, 4, ऊपर कई बार आपका चैप्टर का नेम लिखा जाता है, तो ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एक पेज का, एक डॉक्यूमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, यू कैन सी हियर, जैसे हेडर, बॉडी एंड फुटर। पेज का हेडर होगा, ठीक है, वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर हम अपना नॉर्मली कोई भी डॉक्यूमेंट जो लिख रहे हैं वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, फुटर कोई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट के हम लास्ट में लिखेंगे। तो फुटर एंड में डलता है पेज के, हेडर टॉप में, बॉडी बीच में। मोस्ट डॉक्यूमेंट यूजली कंसिस्ट 3 सेक्शंस, कोई भी डॉक्यूमेंट के 3 सेक्शंस होते हैं, हेडर विच अपीयर एट द टॉप ऑफ द पेज, जो मैंने अभी बताया, ठीक है, बॉडी बीच में होगी आपके सेंटर में, जो बॉटम पेज के बॉटम पे होगा वो क्या होगा आपका, फुटर।
हेडर्स एंड फुटर आर यूजुअली डिस्प्ले द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट के बारे में आपने पेज नंबर डालने हैं, डेट डालनी है, ऑथर नेम डालना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम हेडर फुटर के अंदर डालते हैं. तो हेडर फुटर डालेंगे कैसे, सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे. हेडर फुटर इंसर्ट टैब पे जाके हेडर फुटर आपको एक ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आप क्लिक करेंगे हेडर फुटर ऑप्शन के ऊपर. ठीक है, द हेडर फुटर विल ओपन एंड डिजाइन टैब विल अपीयर ऑन द रिबन. जैसे ही आपने हेडर फुटर डाल दिया तो आपकी डिजाइन टैब शो हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी. द कर्सर विल अपीयर इन द हेडर एंड फुटर वेयर यू कैन एंटर द टेक्स्ट. तो आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं हेडर फुटर के अंदर, यानी पेज नंबर लिखने हैं, डेट लिखने हैं और कुछ होता है वो होता है, का नेम लिखना है आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर. ठीक है, फिर आप क्या कर देंगे, हेडर फुटर बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी, इंसर्ट पे आप गए. इंसर्ट पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हेडर फुटर के लिए हेडर फुटर ग्रुप है. हेडर फुटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, हेडर डालना है आपने, हेडर के ऊपर क्लिक किया तो आपको इस तरह से फॉर्मेट पूछेगा कि किस तरह से आप हेडर फुटर लिखना चाहते हैं. टेक्स्ट एक यहाँ लिखना चाहते हैं, फिर ऐसे बीच में, फिर यहाँ पे हेडर इस तरह से डालना है, या सिर्फ ऐसे एक बीच में टेक्स्ट डालना है, या फिर राइट साइड में डालना है टेक्स्ट. ठीक है, तो हम इस तरह से डालते हैं. इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो ऊपर पेज के टॉप पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं. लाइक जैसे हम आज की डेट डालें 19/11/20. ठीक है, अब आप बाहर क्लिक करते हैं. अब देखेंगे जब भी पेज के टॉप पे तो आपको हेडर शो होगा. ये देखो आपको डेट लिखी हुई नजर आ रही है, पहले आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर डेट नहीं लिखा होगा. सेम ऐसे ही इंसर्ट करना है आपको फुटर पेज के बारे में, तो फुटर के ऊपर हम जाएंगे. अब फुटर के स्टाइल में लिखना, सेम ऐसे ही मुझे लेफ्ट साइड में लिखना है फुटर. मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ जो डॉक्यूमेंट है पेज वन है ये. ठीक है, अब बाहर पेज पे भी क्लिक कर दूंगी. अब देखो पेज को आप डाउन करके देखो, आपको फुटर हेडर देख लिया हमने, फुटर टॉप बॉटम पे पेज के यहाँ पेज नंबर वन लिखा हुआ है. ठीक है, इस तरह से आप हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर. नाउ आपका हो गया हेडर फुटर. अब है आपका पेज ओरिएंटेशन. पेज ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, पेज का जो साइज है वो आपको लेंथ में चाहिए या विड्थ में चाहिए. ठीक है, यानी कि पेज का साइज की जो पोजीशन है वो किस तरह से है. नॉर्मली जो पेज है आपको दो ओरिएंटेशन के अंदर नजर आता है, आइदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. हॉरिजेंटल पेज देखना है, हॉरिजेंटली यानी कि आपको विड्थ वाइज देखना है, लाइक इस तरह से जो आपका लैंडस्केप है वो ऐसे दिखाई देगा हॉरिजेंटली पेज, और ये वर्टिकली ऐसे खड़ा हुआ पेज वो होता है पोर्ट्रेट के अंदर. इन वर्ड वी कैन चूज द ओरिएंटेशन इन विच द पेजेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर गोइंग टू बी व्यूड. ओरिएंटेशन हम पेज को देख कैसे सकते हैं, ये हमें हेल्प करता है यूजिंग द पेज ओरिएंटेशन फीचर. बाय डिफॉल्ट जो आपकी पेज ओरिएंटेशन है वो इस तरह से होता है, पेज आपका खड़ा होता है पोर्ट्रेट. कोई इन्फॉर्मेशन आपकी ऐसी है कि विड्थ में ज्यादा लिखने के लिए जा रही है तो आप लैंडस्केप करेंगे. ओके, नाउ आपको पोर्ट्रेट के लिए स्टेप्स क्या होगा, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. लेट मी शो यू. सबसे पहले आपको जाना है पेज लेआउट टैब पे. ओरिएंटेशन के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, टू टाइप की आपको ओरिएंटेशन मिलेगी, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट. आपको पेज खड़े फॉर्म में चाहिए है, वर्टिकली चाहिए, पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज लैंडस्केप. हॉरिजेंटल देखना है तो लैंडस्केप में, पेज विड्थ वाइज देखना है तो पेज लेआउट टैब पर जाने के बाद आप ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे. ये है पेज ओरिएंटेशन. ठीक है, पेज ओरिएंटेशन के ऊपर ओरिएंटेशन पे आ गए हम. ये टू टाइप्स की ओरिएंटेशन है. अब है आपका देखो सिलेक्टेड कौन सा है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप में देखना है आपकी विड्थ हो जाएगी पेज की. आप यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, इस तरह से आप जब लैंड पोर्ट्रेट करेंगे यहाँ से तो पेज आपका खड़े फॉर्म में आ गया. ठीक है, ये है आपका ओरिएंटेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग पेज कलर. अब पेज का कलर जो है बाय डिफॉल्ट आपका वाइट है, आप पेज कलर को चेंज कर सकते हैं, जो वाइट बैकग्राउंड है आप उसका कलर चेंज करके. तो गो टू द पेज लेआउट टैब, देन कलर पेज कलर ऑप्शन पे जाएंगे पेज बैकग्राउंड ग्रुप में. देन कोई भी जो आपको बहुत सारे कलर्स यहाँ पे जैसे नजर आ रहे हैं, जो कलर आपको बैकग्राउंड पे सेट करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन ओके बटन. नाउ सी द प्रैक्टिकल. ये है आपका पेज, पीछे बैकग्राउंड कलर आपका वाइट है, तो आप उसके लिए क्या करना है, आपको
आपको जाना है पेज लेआउट पे, कलर पे, ठीक है, पेज बैकग्राउंड कलर के ऊपर। नाउ पेज लेआउट, पेज लेआउट, ठीक है, पेज कलर, यहाँ से बहुत सारे कलर्स आपको नजर आएंगे, कौन सा कलर डालना है आपने, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये आपका पेज का कलर चेंज हो गया। ओके, तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट।